उत्तर प्रदेश के हसनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारी एक ठेकेदार के अंडर में केबल लाइन का काम कर रहा था। करंट लगते ही संविदा कर्मचारी नीचे गिर गया। उसको आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन भर्ती कराने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन करनी शुरू कर दी। ये हसनपुर में झगड़ी अड्डे के पास 11,000 की लाइन खींच रही है और ज्ञात हुआ है कि वहाँ एक मजदूर था जो उस तार से गिर के उसकी डेथ हो गई है। तो पुलिस पहुँच गई है, सूचना हो गई है, अब उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जैसे फिर तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। कैसा कैसा हुआ यहाँ से? काम कर रहे थे हम लाइन पे, ऊपर से झूले में गिर गए हैं झगड़ी अड्डे से। किसके अंडर में काम कर रहे हो? उमा शंकर के। अच्छा, कितनी देर की बात है? अभी की बात है, लगभग 20 मिनट की बात है। कहाँ का रहने वाला है? गारापुर ढवारसी के पास है। नाम क्या है? गारापुर। गारापुर इसका नाम क्या है? विजयपाल है। विजयपाल शादीशुदा। बच्चे कितने? दो। ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे जी। और ये बिजली का करंट आया था, उस पर क्या ये गिर गए? अभी लगभग आधे घंटा हो गया लगभग, तो अब यहाँ अस्पताल में लाए थे, जो लेट हो गई, अब घर ले जा रहे हैं। और क्या यही है। कितने दिन से काम कर रहा था ये? काम को तो हो गया कम से कम 2-3 महीने। संविदा पर काम कर रहा था? हाँ, संविदा पे हैं, कागज़ वागज सब हैं लगे हुए, वैसे कि राशन कार्ड है, आधार कार्ड, सब जो फोटो स्टेट सब लगी हुई है। बीमा वगैरह है इनका? बीमा तो बीमा नहीं थी। आपके भाई ने बीमा करा रखा है इनका? बीमा तो नहीं दिखाया जी सर। नहीं, क्यों नहीं कराया आपके भाई ने बीमा? जब संविदा पर काम कर रहे हैं तो किसी की मौत मतलब ऑफर हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? मालूम करनी पड़ेगी, जब भी बीमा होगा तो घर को से मालूम करनी पड़ेगी बीमा के लिए, तो है ही ना।